कोरोना विषाणूपासून नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेत व आपले कर्तव्य हेरून तळोदा शहरातील प्रभाग क्रमांक 2 नगरसेवक जितेंद्र क्षत्रिय, नगरसेविका अनिता परदेशी, नगरसेवक जितेंद्र सूर्यवंशी, नंदुरबार जिल्हा युवा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संदीप परदेशी यांनी स्वखर्चाने आपल्या प्रभागात 3000 अधिक मास्क वाटप करून लोकांमध्ये जनजागृती करत लोकांना काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या या आदर्श उपक्रमामुळे शहरातून त्यांचं कौतुक केलं जात असून इतर नगरसेवकांनी यांचा आदर्श घ्यावा अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. आज जे आपल्या देशावर कोरोना हे जे मोठे संकट आहे, आपल्याला त्यांना न घाबरता त्याच्याशी आपल्याला जोड द्यायची आहे. त्यासाठी विशेष काम म्हणजे महिला वर्गासाठी, कारण जे आपले घरात जे मेन आहे ते आपलं महिला वर्ग, त्यांना मी विनंती करते की या कोरोना व्हायरसची न घाबरता त्याची व्यवस्थित काळजी घ्यावी. आपले जे बाहेरून आणलेला जो भाजीपाला वगैरे आहे त्याला व्यवस्थित धुवून वापरावे, आणि विशेषतः म्हणजे आपल्या घरात जे मुलं बाळ आहे त्यांच्यावर व्यवस्थित चांगलं लक्ष द्यावे. सभ्यम नमस्कार. अपने देश के ऊपर एक विपदा बड़ी आ चुकी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो एक बड़ा शैतान है देश के अंदर. उसको भगाने के लिए हमारे सहमित्र स्वीकृत नगर सेवक जीतू भाऊ सूर्यवंशी, नगर सेवक हितेंद्र भाई क्षत्रिय, नगर सेविका अनिता परदेशी, हमने एक संकल्पना करी है प्रभाग क्रमांक 2 में कि गरीब लोगों की संख्या यहाँ थोड़ी ज्यादा है, मजदूर लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, और ये बीमारी गरीब अमीर का नहीं ध्यान रखते हुए, ये सभी को घातक बीमारी है. इसको ध्यान में रखते हुए हमने कॉटन के मास्क बनाए हैं. इस तरीके से ये मास्क वॉशेबल है. ये मास्क हमने लगभग 2500 मास्क बनाने का प्रयास किया है, 3000 जो नहीं करके हर घर पे एक मकान पे हम 3 मास्क देने का प्रयास कर रहे हैं. और हमारी जनता से भी गुजारिश है कि आप ये मास्क का वापर अच्छे से करिए. रोजाना मास्क का वापर होने के बाद शाम में घर पर आइए, इसे गर्म पानी में धोजिए, धोने के बाद सुखाने के बाद इसको फिर से आप यूज कर सकते हैं. ये हमने कॉटन के मास्क बनाने का प्रयत्न किया है. 8 से 10 दिन से हम ये मास्क बनाने की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है अपने देश के ऊपर, और ये संकट भगाने के लिए हम सभी को एकजुट रह के इसको कैसे यहाँ से भगाना है इसके लिए प्रयास करना है. और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर व्यक्ति ने अपने घर में रहना है, गर्दी जमा नहीं करनी है, प्रशासन का भी पालन करना है. केंद्र से हो, राज्य से हो, जो कुछ भी अपने को वहां से सूचना आ रही है उसके ऊपर ध्यान में रखिए. उन लोगों का भी डॉक्टर प्रशासन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, उन सभी लोगों का अपने को साथ देना है, उनके साथ में खड़े रहके इस बीमारी से अपने को मुक्ति पाना है. धन्यवाद.